सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 7 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000, जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर एमोलेड 3D का डिस्प्ले मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा मिलेगा, उसके साथ साथ 6000 mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है, विद 68 वॉट फास्ट चार्जिंग, और भी काफी तगड़े फीचर मिलने वाले, वो भी सिर्फ 15,000 के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, इसे एंड तक जरूर देखना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो ये डिवाइस आने वाले लावा की तरफ से, लावा ब्लेजेक्स 5G। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल, यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पे जो बैक होगा एकदम ग्लास फिनिश पे आने वाला है। डिवाइस की वेट होने वाले 183 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED 3D कर्व डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाले, और फ्रंट पे आपको 5 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़ी है। वहीं पे बात किया जाए इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे राउंड शेप पे 2 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिलेगा। बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, ये तो क्या इसके सभी कैमरा के फीचर। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये एक परफॉर्मेंस डिवाइस है। यहाँ पे आपको मिलने वाले डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट, और दोस्तों इसकी जो एंथ्रोस स्कोर वो 430,000 के आसपास है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी एक काफी तगड़ी एक डिवाइस है, थोड़ी बहुत गेम प्ले भी आप इस डिवाइस पे कर सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाले 5000 mAh का लार्ज बैटरी, जहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलेगा। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलेगा, और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड स्लॉट भी नहीं मिलेगा। ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो का इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इस डिवाइस की 3 ब्रांड अवेलेबल है अभी इंडियन मार्केट पे, 4GB 128GB जिसकी प्राइस 15,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो बेस ब्रांड वो 14,000 के अंदर आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। उसके साथ साथ 6GB 128GB की प्राइस 16,000 है, और 8GB 128GB की प्राइस 17,000 है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों रिकमेंडेशन की बात करें, तो आपको अगर चाहिए प्रीमियम सा देखने वाला कर्व डिस्प्ले एक 5G स्मार्टफोन, वो भी बजट में, तो आप इस डिवाइस के साथ जरूर जा सकते हो। प्राइस पॉइंट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme P1 5G, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाला है, कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे मिलेगा, जहाँ पे आपको 2 कैमरा मिलेगा, उसके साथ साथ डिवाइस की वेट 188 ग्राम होने वाले, तो डिवाइस काफी हल्का है। तो ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है। वही मैं बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाले, तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ डिवाइस पे आपको 2000 नीट ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पे AMOLED मिलता है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे होगा, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट, जो 6nm पे बेस है, और दोस्तों इसकी एंथ्रोस स्कोर 6 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम प्ले भी कर सकते हो, तो गेमिंग के लिए भी आप इस डिवाइस को
चूज कर सकते हो। बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB 8GB 256GB UFS 3.1 टाइप का। इस डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे दिया गया 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 45W फास्ट चार्जिंग, जो इस डिवाइस को सिर्फ 27 मिनट पे 50% तक चार्ज कर देगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, NFC नहीं मिलेगा। डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 Realme UI 5.0 पर। डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाले। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस वेट 6GB 128GB उसकी करंट एमपी प्राइस 16,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस अंडर 15,000 में आ जाता है। वहीं पे बात करें सेकंड वेरिएंट 8GB 256GB की, तो उसके कायन टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे Realme की एक काफी शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो ये डिवाइस होने वाले पोको की तरफ से पोको X6 न्यू, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम मिलने वाला है। डिवाइस की वेट 175 ग्राम है, काफी हल्का है। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी हल्का है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। बात करें डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर मिलेगा। वहीं पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले काफी तगड़ी है, गेमिंग या फिर कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें जाए डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है, जिसकी एंटूतु स्कोर 450,000 के आसपास है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। रैम रोम की बात करें, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है 8GB 128GB 12GB 256GB UFS 2.2 टाइप के। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलने वाला है विद 33W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गया इसके सभी मेन फीचर। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाले, 3.5mm जैक मिलेगा, NFC इस डिवाइस पे आपको नहीं मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट 8GB 128GB के जो प्राइस है वो 15,000 है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 14,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। वहीं पे बात करें 12GB 256GB का प्राइस के बारे में, तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, सेम डिस्काउंट यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फिर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट पे काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैग के साथ। डिवाइस की वेट होने वाले 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों इसके बाद बात किया जाए डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाले,
जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वीवो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2 MP का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 MP का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों, ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों, ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूतु स्कोर 5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। तो दोस्तों, इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले। और दोस्तों, नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा। उसके साथ साथ 44W की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है। हाँ दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फन टच ओएस 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो क्या इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्राइम 1000 से 1500 तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500। सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। होने वाला है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G, जो काफी शानदार सा एक गेमिंग डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें, तो ये डिवाइस 7.6mm थिकनेस के साथ आने वाला है। 185 ग्राम वेट है, डिवाइस काफी हल्का है और मोटर स्पोर्ट डिजाइन के साथ आएगा, जहाँ पे जो कलर वेरियंट है ना, वो काफी यूनिक और काफी गेमिंग सा फील देता है। रियर पे आपको स्क्वायर शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस काफी प्रीमियम और गेमिंग सा लुक देता है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले, जहाँ पे 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा और ये HDR को सपोर्ट करता है। 600 nit टाइप और 2000 nit पीक ब्राइटनेस के साथ ये डिवाइस आपको आउटडोर पे भी काफी सपोर्ट करने वाला है। 88.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। जैसे कि ये एक गेमिंग डिवाइस है, तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है और जिसकी एंटूतु स्कोर 7,50,000 है, जो इस डिवाइस को इस रेंज के सबसे पावरफुल एक गेमिंग डिवाइस बना देता है। तो डिवाइस काफी पावरफुल है, यहाँ पे आप फ्री फायर पबजी हाई सेटिंग पे खेल सकते हो और भी दूसरे गेम को। और उसके साथ साथ एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे आपको 6050mm का लिक्विड कूलिंग चेंबर मिल जाता है, तो डिवाइस की हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। आप अगर एक प्रॉपर गेमिंग के लिए डिवाइस लेना चाहते हो, जाओ इसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब मेन कैमरा 50 MP का होने वाला है, जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 MP का एक डेप्थ कैमरा और एक ऑक्सिलरी लेंस भी मिलने वाला है। नेक्स्ट बात किया जाए सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 MP का एक फ्रंट कैमरा भी मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा, विद 45W फास्ट चार्जिंग, जो 50% चार्ज को जस्ट 30 मिनट पे
कर देगा। उसके साथ साथ एडिशनल फीचर पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, एनएफसी आपको नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 होने वाला है, उसके साथ साथ 3.5 mm जैक आपको मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टेरियो स्पीकर भी मिलने वाला है। डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 रियलमी यूआई 5.0 पे। तो दोस्तों ये तो का इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो बेस ब्रांड की जो प्राइस है 6GB 128GB, उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का ऑफ हमेशा मिल जाता है कूपन कोड के द्वारा। तो इसकी जो बेस ब्रांड की प्राइस वो अंडर 15,000 पे आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले लावा की तरफ से लावा अग्नि 2। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट में सिर्फ यही एक डिवाइस है जो आपको 20,000 के अंदर मिल रहा है। बाकी सभी जितने सारे डिवाइस है वो 24,000 या फिर 25,000 बेस ब्रांड का प्राइस है। तो 20,000 के अंदर सिर्फ यही डिवाइस है। तो दोस्तों फीचर में सबसे पहले आपको मिलने वाला है 6.78 इंच का फुल HD+ AMOLED कर्व डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। और दोस्तों रेजुलेशन की बात करें तो 2400x1080 पिक्सल रेजुलेशन आपको मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें कैमरे की तो रियर पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, उसके साथ साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ कैमरा आपको मिल जाएगा। और वहीं पे मेन कैमरा से आप 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16MP का सेल्फी कैमरा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाले मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 चिपसेट, जो 6nm पे बेस्ड है, जिसके एंटूटू स्कोर 5 लाख से भी ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी अच्छे होने वाले। उसके साथ जैसे कि ये 5G डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 13 5G बैंड, जो इंडिया की सभी टाइप की बैंड को सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 16GB रैम मिलेगा, जहाँ पे 8GB+8GB वर्चुअल रैम होगा, और उसके साथ साथ 256GB का रोम मिलेगा। दोस्तों इस मोबाइल पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी विथ 66W की फास्ट चार्जिंग की साथ, जो आपके मोबाइल के 50% चार्ज सिर्फ 16 मिनट पे कर देगा। और दोस्तों इस मोबाइल पे सबसे बढ़िया बात, आपको एकदम क्लीन ओएस मिलने वाला है, जहाँ पे आपको कोई भी ब्लूटूथ और एड्स देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों और फीचर की बात करें तो बैक की जो डिजाइन वो आपको ग्लास का मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों इस मोबाइल की आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा, जो काफी प्यारा कलर है। और दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस पहले ज्यादा था पर अभी घटा के इसकी प्राइस को 70,000 कर दिया है, और मैक्सिमम टाइम सेल पे 16,000 के अंदर आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक कर्व डिस्प्ले और काफी अच्छे अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप अगर लेना चाहते हो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है IQ की तरफ से IQ G9X, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक मिलेगा, रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। डिवाइस की वेट है 199 ग्राम, जो डिवाइस काफी हल्का है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 nit पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा, जो आउटडोर पे आपको काफी मदद करने वाला है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी पैच वन की सबसे काफी शानदार है। सिर्फ डिस्प्ले नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा भी काफी तगड़ा मिलने वाले। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों अंडर 13,000 की डिवाइस में आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ 2MP का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात किया जाए डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो डिवाइस काफी पावरफुल है। यहाँ पे आपको मिलने वाले स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जिसके एंटूटू स्कोर 5,60,000 से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो परफॉर्मेंस वाइज एक काफी तगड़े डिवाइस है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम भी खेल सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी विथ 44W फास्ट चार्जिंग, जो अंडर 13,000 में कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो इस डिवाइस को काफी
पावरफुल बना देता है। उसके साथ साथ और एक अच्छी बात ये है, इस डिवाइस पे आपको IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 14 पर। तो दोस्तों ये तो होगा इसी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB का प्राइस होने वाला है 13,000, जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्राइस 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट की बात इसकी जो बेस वेरिएंट उसके प्राइस अंडर 12,000 पे आ जाता है। तो इस प्राइस में काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। उसके साथ साथ दो अदर वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 6GB 128GB का प्राइस 14,500 है, 8GB 128GB का प्राइस 16,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाइक कर सकते हो।